अलगू असल उम्मीद करती हूँ आप सब खरी हर अलहमदिल्ला मैं भी खरी हसूँ अल्लाह ताली हम सबको बुरी आफत बलाउं से महफूज रखें आमीन सुम आमीन तो आज मज़ेदार से खिचड़ी की रेसिपी बता रही हूँ मूँ मसूर की दाल की खिचड़ी बहुत मज़ेदार बनती है इसमें यह ज़ीरा है और गर्म मसाला थोड़ा सा लिया है और नमक है गरम मसाले में मैंने बदयान का फूल लिया है बड़ी इलायची ली है दालचीनी है चार पांच काली मिर्च है ये सब मैं डालूंगी। इधर दर दरमैने साइज एक प्याज ली थी वो मैंने कट करके रख ली थी और घी गरम करने तेल गरम करने के लिए रख दिया था आप चाहें तो घी में भी पका सकती बहुत मज़ेदार बनती है ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गर्मी में तो ये हल्की फुल्की चीज़ें बनानी चाहिए और अच्छी भी रहती हैं जल्दी हजम भी हो जाती है तो मैं प्याज़ भून रही हूँ आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं बहुत मज़ेदार घीमे भी बनेगी इसमें आधा चम्मच अदरक लहसन का पेस्ट मैंने डाला है इसको भूनना था उसके बाद मैंने गर्म मसाला जो लिया है कड़ी पत्ता गर्म मसाला ये सब डाल दिया है और जो डेढ़ कप मैंने दाल चावल का लिया था मूंग मसूर की दालें पीली दाल लाल दाल और चावल इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद तकरीबन तो डेढ़ कपन डेढ़ कप हो गया था ये तो इसको डालने के बाद डेढ़ कप ही मैंने पानी का डाला था ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे ये देखें कितनी खिली खिली सी बनी है और इसको हल्के चूल्हे पे मैंने रख दिया था ज़्यादा चूल्हा तेज़ नहीं कर रहा था जब मैंने आज पे मैंने पकाया था तो ये देखें कितनी खिली खिली सी बनी है इसी तरह से बनेगी आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर वो ज़्यादा वैसी हो जाएगी मिक्स तो कोशिश करेंगे कम पानी डालें इसको अगर हो सके तो दोबारा पानी डाल सकते हैं मगर इतना ज़्यादा पानी नहीं डालें कम पानी में ही बनती है अब ये बिल्कुल तैयार हो गई थी इसको मैंने फिर थोड़ा सा तकरीबन पाँच मिनट फिर मैंने इसको दम पे रखा इसमें जो प्याज भून के निकाली थी वो डाल दी है खुशबू के लिए मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ मैंने अंदर इसमें नहीं डाली मैं ऊपर से डाल रही ताकि इसमें खुशबू बहुत अच्छी निकलती है अब हमें इसको हटाए थे तो बहुत अच्छी खुशबू आती थी फाइनल लुक आपके सामने तैयार है ये चटनी के साथ और लॉन्जी जो मैंने बनाई है घर में कैरी की लौंजी बनाई है ये उसके साथ खाई जाती है बहुत मज़ेदार लगती है आप रायते के साथ भी खा सकते हैं दिन में भी खा सकते हैं रात में भी खा सकते हैं और क्विकली तैयार हो जाने वाली रेसिपी है मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब करिएगा अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा